जी नमस्कार साथियों साथियों, मैं प्रदीप सिंह आज विवेकानंद डिफेंस एकेडमी सुजानगढ़ से एक बार फिर से जुड़ चुका हूं एआरओ जोधपुर आर्मी अग्निवीर भर्ती जहां पर हो रही है उस ग्राउंड से। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भर्ती के पहले दिन, दूसरे दिन और आज भर्ती का तीसरा दिन चल रहा है 7 दिसंबर, और ग्राउंड से आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रही है। तो दोस्तों आज 7 दिसंबर को जैसलमेर साइड के युवाओं की भर्ती थी और आज इनसे हम बात करते हैं कि क्या 6 दिसंबर और 7 दिसंबर के अंदर बैच के अंदर युवा पकड़ने में कुछ फर्क आ रहा है या सेम वही पोजीशन चल रही है, तो इसके बारे में डिटेल से हम बात करते हैं जो आप सभी के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो दोस्तों कहाँ से हो आप लोग? बालोतरा से। आज कौन सी कैटेगरी में भर्ती अटेंड की थी आपने? जीडी से। आप लोग? आप लोग सिरोही से हो। रनिंग की थी आपने? 6वें बैच के अंदर आपने रनिंग के लिए मतलब आज दौड़ के आए हो। कितने बंदों का बैच बनाया था? 60 बच्चों का। कारण? जैसे 60, अच्छा लास्ट बैच जीडी का वो लास्ट बैच था, उसकी वजह से 60 ही बंदों का। तो दोस्तों ये भी हो सकता है, जैसे कल भी ये चीज देखने को मिली थी कि लास्ट बैचों के अंदर हो सकता है आपको बंदे कम मिल जाए, हो सकता है थोड़े बहुत 100 से ज्यादा भी मिल जाए। तो आज जो जीडी का लास्ट बैच था उसके अंदर 60 ही बंदे दौड़े थे। उसके अंदर कितने बंदे पास हुए? 15 बंदों को रनिंग क्लियर करवाया है 60 में से। और एक्सीलेंट कितने थे? 5 एक्सीलेंट थे और बाकी सारे गुड के अंदर थे। आप कौन से बैच में दौड़े थे? 7वां बैच है वो दौड़ के आ चुके हैं। 100 का था पूरा। ट्रेड से दिया जीडी से? तो फिर 6वां बैच का लाइक दिया, मेहनत भी ध्यान रखना, मतलब टाइम भी बहुत कम, टाइमिंग दे रहे कम दे रहे हैं बंदों को ले रहे हैं सबको। क्योंकि लाइट बैच के अंदर मतलब बंदे कम हो सकते हैं, एक में कम और आगे वाले में पूरे तो हो नहीं सकते, तो उन बंदों का बैच हो सकता है वो लाइट बैच था और उससे पहले वाले बैच में। आपके बैच में आज कितने लड़के क्लियर हुए? 2500 में से उनमें से एक्सीलेंट 7 एक्सीलेंट, बाकी मतलब एवरेज बता रहे हैं, चलो 7-8-9 तो हो जाता है। क्या बात करते हो, एक बार आगे आना। ये बंदा मिला भाई, आप कहाँ से हो जाना, अपना परिचय बताना। सिरोही से। क्या नाम है आपका? माधाराम देवासी। तो आप बीए भर्ती क्लियर थे? नासिक में। एक्सीलेंट या गुड में? गुड में था मैं। तो दोस्तों किस्मत का खेल है, सारा ग्राउंड के ऊपर किसका बॉडी चलता है और किसका बॉडी नहीं चलता है कोई भी ये चीज पहले से फिक्स नहीं होती है। ये अपना भाई सिरोही का ये जवान टीए भर्ती के अंदर गुड के अंदर क्लियर था। मेडिकल फिट थे? नहीं, 5 मिनट और 5 सेकंड टाइमिंग देने वाला बच्चा भी जीडी भर्ती के अंदर मतलब रनिंग के अंदर फेल हो गया। इसका कोई नसीब का खेल आज देख लिया सर, है ना? बिल्कुल, मतलब लगभग आपका मतलब आज जैसे कोई वीक पॉइंट ऐसा कि मेरे को लग रहा है इसकी वजह से मेरा फेल हो गया है, रनिंग क्लियर नहीं हो पाया, कोई कारण तो मतलब आपका जैसे ट्रैक के ऊपर नंबर काफी पीछे आ गया था या कैसे है उसका? कोई नंबर तो मेरा सर 8वां था। 8वां था और हम बाहर के लाइन में ऐसे 9वीं पे आ गए, हमको पता है एकदम घुस। ये भी बहुत बड़ा थोड़ा सा रीजन बन सकता है क्योंकि पीछे से बच्चों को क्रॉस करने में। बेच के अंदर कोई बच्चे गिरे थे क्या? गिरे थे सर, मेरा खुद का एक लड़के से भी ध्यान रख के वो एक के ऊपर पैर देते है, वो बीच में रुक जाता है, एम्बुलेंस भी आई थी शायद, घुटना टूट गया, हाँ उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था, अभी एक एम्बुलेंस गई थी उसमें देखा था 5-4 बंदे बैठे थे, हो सकता है 7 वाले थे या जो भी है। तो जवानों आपका हौसला है ना वो बुलंद रहना चाहिए, टाइमिंग इसके ऊपर कोई भी प्रकार का मायने नहीं रखता है। मैंने देखा है 35-40 वाले बंदे जो घर पे टाइमिंग देते थे वो बंदे एक्सीलेंट के साथ पास हो रहे हैं। ये लगातार 3 दिन से हम ये चीज देख रहे हैं, इस चीज को आप सभी मानते हो? बिल्कुल। और 5-5 वाला बच्चा आज हमारे सामने फेल होके खड़ा है, काफी निराशाजनक बात है, लेकिन फिर भी बंदे को सैल्यूट है कि टीए भर्ती के अंदर ये बंदा रनिंग क्लियर करके आया, लेकिन रैली भर्ती के अंदर यहाँ पर आज
थोड़ा बहुत निराश होकर आया, लेकिन कोई नहीं, फिर बढ़ती आएगी और सिलेक्शन लेके रहेंगे, पीछे हटना नहीं है, वर्दी तो हारनी ही चाहिए, है ना। और कुछ आने वाले बच्चों को कोई इन्फॉर्मेशन आपके हिसाब से, कोई गाइडलाइन की भाई, मतलब आज जैसे आप नंगे पैर दौड़े, नंगे पैर होता बहुत अच्छा, ग्राउंड ज्यादा ठंडा तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, नंगे पैर बढ़िया, नंगे पैर बढ़िया, कुछ एक बार भाई जो रुकते बीच में ना रुके, एकदम बीच में रुक जाते हैं, जैसे कि किसको रनिंग नहीं करने, तो वो साइड से नहीं, वो बीच में एकदम में खड़ा हो जाता है, वो तो उनको तो कट करके हमें ही निकलना होता है, वो गिरा देते हैं लोगों को, बहुत बच्चे गिर गए है ना। तो थोड़ा सा भाई इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ज्यादा हड़बड़ाहट ना करें, यदि आपकी तैयारी अच्छी है, यदि आपकी रेंज 5-40 तक की है, तो मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 40-45 वाले भी गुड के अंदर पास होके आए, और गिरे हुए बच्चे, कल मैंने एक बच्चे का रिव्यू लिया था, उसका यहाँ पे घुटना पूरा चला हुआ था, शाम को बाहर आया था, वो गिर के भी वापस दौड़ क्लियर किया है ना। तो लास्ट तक बच्चा बना रहे तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाता है। बाकी पहले दूसरे वाले बैचों के जो बच्चे वो बता रहे थे, बोला 50+ बच्चे कम कर देते हैं, तो भाई इस भाई ने एक बात बहुत बढ़िया बताई है, आप जल्दी उठें और कोशिश करें कि पहले दूसरे तीसरे बेस के अंदर एंट्री करें। एंट्री कितनी बजे हो जाती है? शुरू से 2 बजे लगभग 2-2.5 बजे और वहां से आप जितना हो सके पहले दूसरे बेस के अंदर जाने की कोशिश करो। 3 दिन से लगातार यही चीज देखने को मिल रही है, फर्स्ट बेचों के अंदर उस दिन का जो रिकॉर्ड है 50+ बच्चे तीनों दिन कंटिन्यू हो गए, फर्स्ट बेच के अंदर बहुत अच्छा टाइम से आप वाले बेच के अंदर है ना, वो बोल रही है कि 20 तक एक्सीडेंट वाले लेंगे भाई, ऐसा कुछ 20 तक आप 20 तक एक्सीडेंट में लेंगे तो आपको मेरे जैसा ही होगा, ये आई होगा मिला नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, और मतलब जो गो बोलते हैं गो के समय थोड़ा बहुत बच्चों को पता भी नहीं, एकदम ही बोलते हैं, मतलब आगे आगे आते फिर बोलते हैं, और वो जो एक अपना ये देख दौड़ के आए भाई, डर गए तो उसका क्या है, थोड़ा सा उसका कोई बेनिफिट सुनी देते हैं, गो तो करके गो सुनी देते हैं अपन, गो तो धीरे बोलते हैं, सुन देते हैं बिल्कुल नॉर्मल से, मतलब ऐसे घूम रहे हैं बातें कर रहे हैं कि भाई शपथ पत्र जगह बंदो पड़ वो लारे बेवाने फाचो हो रहे हैं, जो जगह से खड़ा हुआ वही गए, वहीं पे बैठे थे, डंडी पर बात करते हो, डंडी पड़ना तो आगे लागे बैठ जाए तो नहीं बैठ रहे, आगे बुल्ला के नहीं लड़के भी समझ जाते, तो पहले लाइन बना के बैठा है ट्रैक में, फिर उसके बाद किसी को खड़ा करते, आपको पढ़ना आता है, जिसको हिंदी आती है वो खड़ा होकर पढ़ जाए, जो बंदा खड़ा गया था वो पढ़ लेता है, फिर वापस उसी जगह बैठा थे उसके, अरे वाह यार, चलो ये इस बार ये भी चेंज हो गया, वरना जो सबसे पीछे बंदा बैठा होता रहती वो पहले बैठता, तो वो शपथ पत्र के लिए सबसे पहले खड़ा हो जाता था, और सबसे आगे बैठता था, लाइन से भी आगे बैठता था, वो जो वो चीज हटा दी इस बार, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखो, यदि आप एक्टिव रहोगे, और एक गिरने का विशेष ध्यान रखना है ना, ये थोड़ा सा निराशाजनक बात है कि एक ही एरिया के 4 बंदे थे जिनका टाइमिंग भी अच्छा था, लेकिन फिर भी रनिंग क्लियर नहीं हो पाई, तो इस बार फिर दुआएं रहेगी कि इस बार आप भर्ती क्लियर करो, और एक बार फिर इस बार जब मिले दोबारा तो उस समय आरएमएस नंबर लेके रिव्यू दे, बिल्कुल सर, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।